हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डी पी ई एल यानी कि डिवाइन पावर एनर्जी के आई के, के बारे में तो ये कंपनी स्टॉक मार्केट में तो सुन लिस्ट होने वाली है तो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा तो ऐसे इंटरेस्टिंग आई पी एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो दिस आई पी इज़ नॉट ओपन एड इट ओपन ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दिस स्टॉक बिलोंग्स टू द एस एम ई दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेगमेंट विच यूजली हैज लो लिक्विडिटी एंड इज हैंस ऑल्सो रिस्कीयर इट विल be इन in a साइज ऑफ of 3000 shares आफ्टर लिस्टिंग ऑन NSE. issue size hai साइज है ऑफ सिक्सटी थ्री लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी का लॉर्ड साइज है ऑफ थ्री शेयर्स आई स्टेटस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर आपको इस आई में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 36 सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री थाउजेंड दैट इज वन एट थाउजेंड रुपीज़ का खरीदना होगा आई स्टेटस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफर स्टार्ट होता है ऑन ट्वेंटी जून 2024 ऑफर एंड होता है ऑन ट्वेंटी जून 2024 थाउजेंड ट्वेंटी का डेट है ऑन ट्वेंटी जून 2024 रिफंड इनिशिएशन का डेट है ऑन फर्स्ट जुलाई 2024 थाउजेंड ट्रांसफ़र होता है ऑन फर्स्ट जुलाई 2024 और लिस्टिंग होता है ऑन सेकेंड जुलाई टू मैंडेट एंड होता है ऑन ट्वेल्थ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी सो यह डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड का रेड हयरिंग प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है इन न्यू दिल्ली यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ इशू टू पब्लिक फ्रेश इशू साइज़ है अप टू 2,276 लाख एंड सेवेंटी सिक्स यानी ट्वेंटी टू का टोटल इशू साइज भी उतना ही है तो यहाँ पर आप रिस्क इन रिलेशन टू द फर्स्ट इशू पढ़ सकते हैं जनरल रिस्क इन्वॉल्व भी यहाँ पर देख सकते हो लिस्टिंग का भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है बुक रनिंग लीड मैनेजर्स भी यहाँ पर मैंशन है बेड इशू प्रोग्राम एज़ मैंशन अर्लियर यहाँ पर सारे टाइम लाइन्स दिए गए हैं तो आई पी ओ में पार्टिसिपेट करने से पहले एक बार यह रेड ईयरिंग प्रॉस्पेक्टर ज़रूर पढ़ लीजिए तो यहाँ पर आपको पूरी कंपनी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं टाइम लाइन क्या है ऑफ़र का प्रोसीजर बुक बिल्डिंग ऑफर इंटरेस्ट एंड रिफंड ये सारी जानकारी आपको इस जी आई टी ये सारी डिटेल्स आपको इस जी आई में मिल जाएगी सो डिवाइन पावर आई पी ओ इज अ बुक बिल्ड इशू ऑफ ट्वेंटी सिक्स क्रोर्स द इशू इज एंटायरली अ फ्रेश इशू ऑफ फिफ्टी सिक्स पॉइंट नाइन लैख शेयर्स तो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं प्राइस बैंड इज सेट एट थर्टी सिक्स टू फोर्टी रुपीज मिनिमम लॉट एज मैंशन इज थ्री थाउजेंड शेयर्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाई रिटेल इन्वेस्टर्स इज वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड द मिनिम लॉट साइज़ इन्वेस्टमेंट फॉर एच एन आर इज़ टू लॉट्स यहाँ पर आप आई पी ओ की डिटेल्स भी देख सकते हैं टोटल इशू साइज़ इज मैंशन फ्रेश इशू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग प्री इशू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग प्री इशू है फिफ्टीन मिलियन सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट्टी शेयर्स शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इज़ ट्वेंटी वन मिलियन फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन थाउजेंड एंड एट्टी शेयर्स तो यहाँ पर आप आई की जो टाइम है वो भी देख सकते हैं लॉट साइज भी हमने बात कर ली है उसके बारे में प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर दिखाया नहीं है कि शेयर होल्डिंग पोस्ट के बाद कितना होगा लेकिन प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी के नाम यहाँ पर मेंशन है मिस्टर राजेश गिरी मिस्टर विकास तलवार एंड मिस दली गिरी तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है दिस कंपनी वॉज़ इनकॉर्पोरेटेड इन टू this कंपनी manufactures बेयर कॉपर और एल्यूमिनियम वायर बेयर कॉपर एल्यूमिनियम स्ट्रिप वाइंडिंग copper एल्यूमिनियम वायर and वाइंडिंग copper और एल्यूमिनियम स्ट्रिप तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में मिल जाएगी तो चलिए फाइनेंशियल देख लेते हैं एज पर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर रेवेन्यूज़ ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी टू लैक्स तो अगर हम क्रोर्स में देखते हैं तो इनका रेवेन्यू है टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस सिक्स पॉइंट फोर क्रोर्स तो कंपनी प्रॉफिटेबल है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी यहाँ पर आप देख सकते हो आर ओ ईस ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो सिक्स आर ओ सी सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव डेट टू इक्विटी रेशियो इज टू पॉइंट टू सिक्स आर ओ एन डब्ल्यू ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो सिक्स पी बाई बी वी 2.47 टू पॉइंट फोर सेवन पैट मार्जिन इज टू पॉइंट एट एट यहाँ पर आप कंपेरिजन भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इनको आई पी ओ से जो अमाउंट है वो रेस करना है तो यहाँ पर आप रेड हयरिंग प्रोस्पेक्टर्स और बहुत सारी जानकारी आप एन एस सी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिवाइन पावर आई पी ओ सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिवाइन पावर आई पी ओ ऐसे ही इंटरेस्टिंग आई पी ओ एनालिस स्टॉक्स प्लेट्स बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड पेयर्स की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे हेड